ए राजा धक्का मत मारा, राजा राजा सर एक साथ में फोटो कर दे लेना ही फोटो अजय सर एक साथ में फोटो करना सर यहाँ से आपके राइट तो आपके लेफ्ट से सर चलो निरंजन दो मिनट बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप साड़ी में। ये सवाल ये पूछना चाहता था लेकिन मैंने बोल दिया कि खूबसूरत लग रही है साड़ी में, मतलब कुछ और नहीं 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 नहीं, नहीं वो उसको जवाब दो। नहीं एक्चुअली मेरे जिंदगी का जो सबसे बड़ा सपना था वो इस फिल्म के साथ पूरा हो गया। हालांकि मैं इस इंडस्ट्री में काफी सालों से हूँ लेकिन कभी उस जगह तक नहीं पहुंच पाया कि मेरे घर पे रेड पड़ सके। तो पिक्चर में ही सही, चलो रेड तो पड़ी। बहुत जल्दी भाग रहे हैं, बहुत जल्दी भाग रहे हैं। पता चले थोड़े महीनों बाद या सालों बाद पछता रहे होंगे ये लाइन क्यों बोली थी मैंने। क्योंकि इस बारात को बुलावा कोई नहीं देता सर। On the other hand, your personal life has always been in news, you know, the recent rumors being that you have married.
So if is there a comment you want to make on that? You married? Apparently. I don't know what the comment is. I mean, I think it's good, no? Professionally, basically, you've given me a compliment. Professionally, I'm doing well. Thank you. Personally, I'm also doing well. I'm happy both ways. So, thank you. I don't think there's a comment to be made. I mean, I've kept my personal life fairly private. And I don't like talking about it too much. But it's pretty much there for the world to see. So, thought this film in a very short period of time. It's 2.5 months, I guess. मुझे बहुत लंबा लगा, लेकिन आपको छोटा लगा होगा, क्योंकि अगर आप दो ढाई महीने घर से बाहर एक जगह पे रहो तो आपको बहुत लंबा लगता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय, इन लाइक अजय एंड इलियाना, योर लास्ट फिल्म वी सॉ अ वेरी पॉपुलर नंबर, यू नो, इन सिमिलर लाइंस। बेटा अगले हफ्ते। म्यूजिक अगले हफ्ते। उसके अलावा भी तो मेरे ख्याल से आज इस साल 2018 में आपको सिर्फ अमर पटनायक के नाम से जाना जाएगा, बिकॉज द कैरेक्टर्स लुकिंग वेरी नाइस। एंड आई मस्ट से कि जब आप चश्मा पहनते वेटर्स और सादी वर्दी में मुस्टाज रख के आते, मुझे लगता है देश में अब सब ठीक हो जाएगा। द कन्विक्शन यू हैव यू पुट इन सच कैरेक्टर्स, इट्स नॉट द कन्विक्शन ऑल्सो, इफ वन जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रांग है और ये कैरेक्टर मैं किसी जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर है उसको पोर्ट्रे कर रहा हूँ, तो उससे एक और एक्साइटमेंट हो जाती है कि यू नो रियल लाइफ में अगर किसी ने ऐसे किया था तो कैसे किया होगा। फिर उसके बाद एक अच्छे खासे राइटर है हमारे रितेश, उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खासा लिख दिया तो फिर जो डायरेक्टर है उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी डायरेक्शन कर दी, तो ये सब मिला के उस सब परफॉर्मेंस में भी ऐड हो जाता है। थोड़ा थोड़ा अगर खराब लिखा होता तो मैं क्या कर लेता। बट सर आपने जो टैगलाइन है वो आपने दी है, और ऐसा हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि हीरोज डोंट ओनली कम इन यूनिफॉर्म, ये जो है ये आपकी तरह से है, तो ये इसका आइडिया की इसका आइडिया कैसे आया आपके? क्योंकि अब तक जितने मैंने प्ले किए ज्यादा यूनिफॉर्म वाले प्ले किए, तो इसमें यूनिफॉर्म नहीं था, उसमें सिर्फ यूनिफॉर्म, तो मुझे लगा कि आई थिंक ऐसा भी होना चाहिए और फैक्ट भी है जी। इसमें तो एक इसमें लाइन भी बहुत खूबसूरत की ऑफिसर्स की जो बीवी होती है उनको ज्यादा बहादुर होना पड़ता है, तो आपके रोल के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक यू नो जितना कि दिखाया गया है ट्रेलर में, इट्स बेसिकली what it is, you know, she's the strength behind Ame, and it was a really beautiful role to play, and I think Ritesh has written such a lovely role for me, and it's a different role, merely, a new experience. Raj was brilliant to work with, and hopefully, आपको अच्छा लगेगा, आप सबको अच्छा लगेगा। नहीं, हम सबको तो already बहुत अच्छा। ये भी है कि जब आप एक realistic film बनाते हैं, और ये जरूरी है, ये fact है कि अगर if you're talking about heroes, real life heroes, वो तब तक नहीं बन सकते जब तक उनको family का support नहीं है। Correct. बिना फैमिली के सपोर्ट के वो कुछ नहीं कर सकते, तो आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस इन द फिल्म। ताऊ जी खतरनाक मतलब